सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियां चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से भी हम बात करेंगे अपने एक सब्सक्राइबर के सवाल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अक्सर बात करते रहते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि कैसे स्पिरिचुअलिटी वर्कआउट करती है और कैसे इसको समझा जा सकता है, कैसे हम लोग सभी लोग मिल करके अवेकन हो सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ का जो भी एक पर्पज़ है, जो भी हम एम लेकर यहाँ पर आए हैं अपनी लाइफ साइकिल का, उसको कैसे कंप्लीट करके जा सकते हैं। बात कहने का यह है कि कैसे हम अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे साथ में कोई ऐसा फेज चल रहा है, ऐसा कोई समय चल रहा है जिससे हम आगे सफ़र कर रहे हैं और उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ, ताकि जिस सवालों के लिए आप भटक रहे हो, परेशान हो, उनका कोई जवाब दे सकूँ और वो लॉजिक के साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी बेस्ड हों, जो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में चलते हों। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करने चाहता जिससे कि आप डिसअपॉइंट हों, जैसे कि बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, आपको पता होगा। बट हमारी एक अपनी स्पेशलिटी है कि हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, हमारा ऐसा मानना है और ऐसा ही होता है, आपको भी ये पता होगा। तो आज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूँगा, अपने एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अर्चना राठौर करके, उनका स्क्रीन शॉट भी आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगा, वो पूछ रही हैं, तो आज उनके बारे में हम बात करेंगे। अर्चना राठौर जी पूछ रही हैं, 3 महीने पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं यह समझ चुकी हूँ कि वो वापस नहीं आ सकते, पर ऐसे होने के पीछे जीवन में मुझे क्या सिखाने की कोशिश किया जा रहा है, इस बार मुझे इन परिस्थितियों में क्या सिखाना चाहते हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत नेचुरल और कॉमन ऐसा सवाल है। इस सवाल से बहुत सारी माताएं बहनें जिनके हस्बैंड गए हैं और हस्बैंड के जिनकी वाइफ्स गई हैं और कोई भी रिलेशन रहने दो जिसने अपने लोगों को खोया है, उन लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी हम इस पर दूसरी वीडियो भी बना चुके हैं, दूसरे टॉपिक पे, दूसरी तरह से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा सवाल हो जो आप सब लोगों को ट्रिगर करता हो, जो आप सब लोगों की मदद करने के लिए आगे आता हो, तो मैं ज़रूर उस पर, चाहे मुझे कितनी भी बार लेक्चर देना पड़े, कितनी भी बार आपको समझाना पड़े, मैं बिल्कुल समझाऊँगा। क्योंकि मैं इसको एज ए काम नहीं, मैं इसको एक अपनी ड्यूटी मानता हूँ कि हाँ बिल्कुल ये मुझे करना ही पड़ेगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा आज का सवाल है, अर्चना राठौर जी पूछ रही हैं कि उनके हस्बैंड की 3 महीने पहले मृत्यु हो गई है। और देखिए, इसमें वो बहुत प्रैक्टिकल बात भी कर रही हैं, जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि नहीं तो बहुत सारे दूसरे लोग तो यही बोलते रहते हैं कि वो वापस क्यों नहीं आएंगे, मुझे बिलीव है कि वो वापस आएंगे, लाइक दिस जैसे कि एक मूवी में हम दिखाते हैं उसके हिसाब से वो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब सा लगता है कि देखिए वो चीज़ों को समझना नहीं चाहते और मूवी को देख के उसको रियलिटी में उतारना चाहते हैं, तो ऐसा वर्कआउट नहीं करता। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अर्चना राठौर जी को कि कम से कम उन्होंने इस चीज़ को तो माना कि वो मुझे पता है कि अब वो कम से कम इस जन्म में और इस जन्म के हिसाब से, उस बॉडी के हिसाब से जैसे वो दिखते होंगे जब उनके हस्बैंड थे, तो उस रूप में तो नहीं आ सकते कम से कम, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग भी इस चीज़ को समझो। अब जैसे कि उन्होंने पूछा है कि पर ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे नेचर या भगवान या जिसको भी वो मानते हैं ईश्वर, उन ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्यों डाला, वो भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो यह एक मेन की पॉइंट है कि आज जब हम इस वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हेल्प करेगा हम सबकी समझने में। तो देखिए, नेचर, सबसे पहले मैं उस परमात्मा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने इतना अच्छा एक पूरा सिस्टम रचा हुआ है, जो हमें अलाउ करता है इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए, पढ़ने के लिए, हमारी सोल की ग्रोथ करने के लिए। मतलब जो पेरेंट्स हमारे अपने यहाँ पर कर सकते हैं, उससे कई लाखों टाइम ज़्यादा वो हमारे लिए करता है। लेकिन ये बस है कि हम उसी को देखते हैं जो हमें दिखता है, जो हमें नंगी आँखों से दिखता है, क्योंकि हम उस चीज़ को नहीं देख पाते जो हमारे पीछे है, जो हमारे आगे है, जो ये 3D वर्ल्ड से थोड़ा ऊपर है। तो लेकिन फिर भी हम उसको महसूस कर सकते हैं, अगर कोई आपको बताने की कोशिश कर रहा है तो कम से कम उसको सुन सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी ये बातें आज मैं बताने वाला हूँ कि आप भी इसको सुनने के लिए तैयार रहेंगे, तो प्लीज़ सुनिए। अब देखिए, हमें नेचर सिखाना क्या चाहता है। हमारा नेचर हमें चाहता है एक लर्निंग देना। हमारा नेचर हमसे हमेशा बोलता है, हर बार हमसे बोलता है, और हमेशा हर सेकेंड हर पल हमें ये बताता है कि देखिए, जो आप इस सारे संसार को समझ कर चलते हो तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे इन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड चले गए रिसेंटली, मैं एक अपने जो मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं उनसे, वो मेरे साथ कनेक्ट थे, उन्होंने भी एक अपने अपने बेटे को खोया था। और देखिए,
उनकी बहुत यंग एज थी। मैं बस एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, मैं नाम पता कुछ पब्लिक नहीं करने वाला यहाँ पर, लेकिन बस एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। उनकी एज अभी अंडर 30 थी, तो उनकी अभी रिसेंटली शादी भी हुई थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई उनकी किसी वजह से, वो वजह भी मैं यहाँ पर ऊपर नहीं कहूँगा, लेकिन हो गई। अब सेम एक और शख्स उनके जो बहुत ओल्ड एज है, मतलब उनसे कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा एज के हैं, वो भी बीमार हो रखे हैं, लेकिन वो बच गए, लेकिन उनका जो बेटा था वो नहीं बच पाया। तो इस चीज़ से मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें समझने की ये ज़रूरत है सबसे ज़्यादा है कि देखिए, नेचर जिसको जाना चाहिए उसको रोक देता है और जिसको नहीं जाना चाहिए उसको ले जाता है। यानी कि ये जो पूरी व्याख्या है ये हम अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन उस नेचर को पता है किसको यहाँ से लेके जाना है, किसको यहाँ पर रखना है। आपको क्या लगता है कि सारा संसार यही है, लेकिन मुझे क्या लगता है और उस नेचर ने जो पूरी प्लानिंग करके रखी है, पूरे जो एक गर्भ में सारी चीज़ें छिपा कर रखी हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि इसके बियॉन्ड भी जो इससे भी कुछ बड़ी चीज़ है वो भी है। अगर आप कहीं पर एक स्कूल में कुछ स्टडी करने के लिए गए हो, तो आप ऐसा तो नहीं है कि हमेशा उस स्टडीज रूम में ही रह गए या उस कॉलेज में ही रह गए। इसी तरह जब भी कोई यहाँ से जाता है या यहाँ पर कोई आता है, तो आप इसको सिर्फ इस तरह से ही समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक कॉलेज में गए हैं, कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पर आपने स्टडी कंप्लीट करी है, स्टडी करने के बाद में जहाँ वहाँ पर आप पास हुए या फेल हुए तो आप फिर से आएंगे, पास हुए तो आप फिर से उससे रिवर्स आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसा हमारा एक स्कूल वर्कआउट करता है, जैसे यहाँ पर टीचिंग संस्थान जो भी हमारे यहाँ पर पाठ्यक्रम चलते हैं, सिर्फ उसी का हूबहू है वो पूरा सिस्टम, लेकिन थोड़े रूल एंड रेगुलेशन थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन वो हमें समझ में आ जाएंगे जब हम उसको समझना चाहेंगे और जब हम उसके डीप में जाएंगे। अब जैसा उनका सवाल था कि ये नेचर ये इस पर हमें ऐसी परिस्थितियों में क्यों डालता है और हमें क्या सिखाना चाहता है कि उनके लिए तो पेन है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये पेन आपने क्रिएट किया है, नेचर ने इसको नहीं बताया कि आपको ये पेन होगा इस तरह से होगा। नेचर चाहता है कि देखिए आप सबसे एक ऐसी भावना को उत्पन्न करो जिसमें प्रेम तो हो लेकिन दुख ना, वो अनुभव आप फील करते हो। सपोज करो जिस हस्बैंड के लिए आज आप परेशान हो और इस तरह की वाइब्स को लेकर आज आप आए हो, आपने सवाल पूछा है, अगर उन इंसान को आप नहीं जानते, वो आपके लाइफ में नहीं होते और आज आपको उनको पता लगता कि कोई आपके आसपास में किसी की डेथ हुई है, ये जल्दी कोई चला गया, तो आप 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए परेशान होते, उसके बाद में अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाते। लेकिन आज आपको ये ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि कोई मेरी चीज़ थी जो मेरे हाथ से चली गई है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आपकी थी ही नहीं, आप भी आपके नहीं हो, जो आप असली में हो, जो असलियत में आप हो, आप उसको भी अपना नहीं मान रहे, आप उन सारी चीज़ों को अपना मानते हो जिससे आपका कोई मतलब नहीं है या जिससे आपका मतलब सिर्फ एक टेम्परेरी है और कुछ थोड़े वक्त के लिए है, लेकिन आप जो आपका परमानेंट है, जो आप हो, आपने अपने रूप को ही खो दिया है, आपने उस मुखौटे को अपना मान लिया है जो आपका कभी था ही नहीं, और था भी तो आपको उधार मिला और दूसरा उसको ले लेगा। यानी कि इस मिट्टी ने आपको एक शरीर दिया, उस शरीर को आप अपना मान के बैठे हो और आपको पता है कि ये मिट्टी अगर कोई शरीर देती है तो छीन भी लेती है, क्योंकि इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेचर, यानी कि ये भी हमारा उसी ईश्वर का कर्ण है, ये भी अपने काम में जुटा है, ये भी अपनी ड्यूटी कर रहा है जिस हिसाब से हम यहाँ पर सीखने के लिए आए, सारा एक कण कण का मतलब है। अब जैसे कि आपने कहा कि वो नेचर हमें इस तरह की परिस्थिति में क्यों डालता है, देखिए उसको कोई शौक नहीं है इस तरह की परिस्थिति बनाना। हर एक सोल अपने एक इंडिविजुअल लाइफ साइकिल को सेलेक्ट करती है एज पर देयर कार्मिक अकाउंट्स, कि कैसे कार्मिक अकाउंट को मैं भुगतान करके कैसे मैं अपनी लाइफ साइकिल में ग्रोथ कर सकता हूँ, कैसे सारी चीज़ों को अच्छा कर सकता हूँ, कैसे मेरे जो कार्मिक अकाउंट जो माइनस वाले हैं वो न्यूट्रल हो सकते हैं, जो पॉजिटिव वाले हैं वो और ऊपर बढ़ सकते हैं, कैसे स्मरण जन्म के जो पूरा संबंध है इसे कैसे जल्द से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। तो लाइक दिस, देखिए ये नेचर हमेशा जब भी हमारा एक जन्म होता है हमें कुछ लर्निंग्स यानी कि कुछ नोट्स मिलते हैं। नोट्स मतलब एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें आपको, आज आप बोलते हो ना कि मेरी लाइफ जब से शुरू हुई है तब से पेन ही पेन है, कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है, तो जो पूरा है ना आपके क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर आपको चाहिए होते हैं, वो आंसर आप कैसे करोगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल करके झेल के उनको। अब जब आप कॉलेज में जाते हो, आप कितने टाइम तक वहाँ पर पढ़ते हो, लेकिन कुछ समय के लिए आपको क्या होता है, आपको एग्जाम देना पड़ता है, एग्जामिनेशन सेंटर में बैठना पड़ता है। इसी बिल्कुल तरह से जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हो, उन सोल जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, जो भी आपके एंजल्स हैं उनके पास में रहते हो, वो आपको सिखाते हैं, आपको ट्रेन करते हैं और आपकी कार्मिक अकाउंट के हिसाब से, आपकी जर्नी के हिसाब से वो आपको नीचे भेजते हैं। नीचे भेजने के बाद
वो जो सारा प्रोसेस रहता है उसको आपको कंप्लीट करना होता है। मान लीजिए इस जो ये पूरा जीवन है इसमें आपको इस तरह की सफरिंग मिलेगी, जैसे अर्चना जी बोल रही थी कि उनको इस तरह की सफरिंग मिली है जो आज वो फील करती हैं अपने आप में कि उनके हस्बैंड चले गए। तो सपोज़ करो कि आज अगर आप 50 लोगों में रहना पसंद करते हो या किसी की छत्रछाया में रहना पसंद करते हो तो आप अकेले में कैसे रहोगे। हालांकि वो आप बोल रहे हो तो इसको मैं इंडिकेट करके बोल रहा हूँ, नेचर तो ये चाहता है देखिए आप अकेले आए हो, आपके तन पर ना कुछ था, आप इसी तरह जाओगे, मिट्टी का आइटम मिट्टी में मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको बोल रहे हो कि अपनी परिस्थितियों से जोड़ कर बता रहे हो तो मैं इसको अपनी तरफ से ऐड ऑन कर रहा हूँ, इसमें नेचर का कुछ भी नहीं है। नेचर तो बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर काम करता है कि उसको पता है कब उसकी सोल जो है, सब हम उसके अंश हैं कि कौन से अंश को कहाँ पर प्रोग्रेस होनी है। अगर वो प्रोग्रेस यहाँ से शरीर छोड़ने के बावजूद होती है तो बिल्कुल करेंगे। आपने बहुत सारे सोल देखी होंगी जो यहाँ पर बहुत बहुत टाइम तक जीती हैं लेकिन उनको जीने का पर्पज ही नहीं पता, उनको चांस पर चांस दिया जाता है दिया जाता है दिया जाता है। जब उस नेचर को पता है जो सोल यहाँ से जाएगी और यहाँ से जाने के पश्चात वहाँ पर अच्छा रीड करके फिर से कुछ अच्छा करेगी, अगर उससे उसका फायदा होता है तो नेचर इस तरह की प्लानिंग करा के भेजता है कि बिल्कुल आपको वही करना चाहिए जो आपके हित में। लेकिन हम हमारा हित क्या सोचते हैं, आज मेरा हस्बैंड मेरे साथ मरे, मेरी वाइफ मेरे साथ मरे, ये मेरा सबसे बड़ा हित है। लेकिन ये सच्चाई ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं ये आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। बस आप एक बार इस बात को समझिए, अगर वही शख्स जिसके लिए आज आप परेशान हो, वही शख्स अगर आपसे दूर होता या आपकी लाइफ में नहीं होता तो आपके लिए मैटर नहीं करता। तो आप इस बात को देखिए, आप बहुत सारे लोग भगवान को गाली देते हो, उस नेचर को गाली देते हो। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ये सारी चीज़ें इस तरह से वर्कआउट नहीं करती है जैसे कि हम आप सब सोचते हैं, ये चीज़ें बहुत डिफरेंटली काम करती हैं। और आप उसको गाली दीजिए कुछ भी दीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम चल रहा है, उसमें सब कुछ फीड है, कब किसको आना है कब किसको जाना है कब कैसे चल रहेगा, बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली सिस्टम की तरह वो काम कर रहा है। बस हम जहाँ हमें सिस्टम सा होना चाहिए तब वहाँ हम मैनुअल होने का चाहते हैं, और जहाँ मैनुअल होना चाहिए तब हम वहाँ रोबोटिक बनना चाहते हैं, सिस्टम के हिसाब से काम करना चाहते हैं। हमारी विडम्बना यही है जो सबसे मुझे जो लगता है, इस वर्ग में हमें जो एक सोचने की जो बुद्धि दी है, सोचने के साथ साथ में जो हमें इमोशंस दिए हैं, वो जब आप लोगों के पेन देखता हूँ तो मुझे फील आती है कम से कम वो नहीं देना चाहिए। अगर वही चीज़ नहीं लेगी तो कौन जा रहा है कौन आ रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस तरह से देखिए, जब कोई रोबोट है आपके पास में आपके घर में, अगर वो आपको मार दे तो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो आपके लिए काम कर रहा है क्योंकि आप उसको एनर्जी दे रहे हो, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, आपने उसको परचेज किया, सेंसर है सब चीज़, इसलिए वो आपके साथ में काम कर रहा है। अगर उसको ऐसा प्रोग्रामिंग कर दी जाए कि वो आपको मारेगा तो मार देगा क्योंकि उसको पेन नहीं होगा। लेकिन आज आप इस पेन को फील करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने अपने हित को ऐसा बना लिया है कि हाँ मैं उसी के साथ में अटैच रहूँगी या रहूँगा। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें, वीडियो लंबी हो रही है और भी हम डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे टॉपिक जो बहुत सारे लोगों के आसपास जाने चाहिए क्योंकि उन्हें इनसाइट मिलनी चाहिए। और देखिए अब लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, इसमें लर्निंग्स ये है, अगर इसको लर्निंग्स ही मान के आप चल रहे हो, हालांकि आपके हस्बैंड ने तो अपनी लाइफ जर्नी इस जन्म की जो थी कंप्लीट करी और बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे भी है, लेकिन अगर आप इसको एक लर्निंग्स के तौर पर ले रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, सीख सकते हो कि लाइफ की हकीकत क्या है, आप इतना पैसा कमा के क्या करोगे, आप इतने सारे लोगों को इम्प्रेस करके क्या करोगे क्योंकि कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। आप 50 लोगों के साथ में मत जाओ, एक लोग के साथ में जाओ जो आपका दिल बोलता है उसके साथ में जाओ। अगर आप कार्मिक अकाउंट वाले बंदे से ही सारे संबंध बनाओगे सारी चीज़ें करोगे तो उससे भी आपके कार्मिक अकाउंट अच्छे होते हैं क्लियर होते हैं। लेकिन आप हर जगह इस तरह से अपने हित के बारे में अपने मन की मनोदशा के हिसाब से सोचोगे तो भी ये गलत है। आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अर्चना जी, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, इतना अच्छा सवाल पूछने के लिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी वीडियो भी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी इस तरह की जो भी सफरिंग से गुजर रहे हैं, आई होप कि उनको मदद करेगी। और आप सभी का मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू।